स्किन एज के साथ जो कमजोर हो जाती है उसको आप थोड़ा ही और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा ही और कर सकते हैं. सो बिकॉज जो स्किन और मसल का बैलेंस आउट हो जाता है और इसीलिए इवन जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो आपकी स्किन पे फ्राउनिंग और इस किस्म के निशान आ रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप स्किन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन बोटॉक्स की मदद से आप मसल को उतना वीक कर देते हैं तो दोबारा बैलेंस रिस्टोर हो जाता है, तो फिर दोबारा आपकी स्किन से रिंकल्स खत्म हो जाते हैं. बिकॉज जो मसल पुल जो कर रहा होता है वो कमजोर हो गया, तो अब कमजोर पुल कर रहा है, तो कमजोर स्किन पे कमजोर मसल पुल करेगा तो रिंकल नहीं आएगा. तो क्या लाइक जैसे लोगों को काफी लोग प्रीमैच्योर एजिंग के शिकार हो जाते हैं और वो अपनी एज से बहुत जल्दी एजेड लगना शुरू हो जाते हैं, तो इन दैट केस जैसे इवन लेट 20s अर्ली 30s में मैंने बहुत सारे स्पेशली मर्दों के साथ मैंने देखा है कि स्ट्रेस के साथ वो काफी जल्दी एज होना, नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग, यू कैन एज ग्रेसफुली, लेकिन इफ इट्स समथिंग दैट बॉदर्स यू कैन बोटॉक्स एंड फिलर्स फिक्स दैट. यू नो तुमने इतनी अच्छी बात करी है कोमल, बिफोर बोटॉक्स एंड फिलर्स के लेट 20s में अर्ली 30s में भी स्ट्रेस से एजिंग हो जाती है. तो स्ट्रेस तो ऐसा है जैसे आपके चेहरे पे किसी ने तेजाब डाल दिया हो, लिटरली आपकी 5 साल की एजिंग 1 साल में हो जाती है अगर आप स्ट्रेस लेते हैं. अगर आप स्ट्रेस लेंगे लिटरली 5 साल की एजिंग 1 साल में हो जाएगी, और फिर वो एजिंग रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है. तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि और एक स्ट्रेस कंट्रोल करना और दूसरा कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपना वेट. तो जो लोग अपने आप को लेट गो कर देते हैं ना, जो फिर छोड़ देते हैं, उसके बाद वो कहानी उनके हाथ से निकल गई. क्योंकि जो बहुत मोटे होके फिर पतले होते फिर मोटे होते फिर पतले होते ना, उससे एजिंग और बढ़ जाती है, स्किन और लटक जाती है. इस पे दो पॉइंट्स मैं जरूर इंटरजेक्ट करना चाहूंगी कि मोटा होने का ये मतलब नहीं है कि हम बॉडी शेम कर रहे हैं इस वक्त. आपको हेल्थी एंड फिट रहना, आपका आपकी बॉडी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप हेल्दी हो, फिट हो. आप जरूरी नहीं है कि आप सुपर स्किनी हो और आप खूबसूरत हो, बिल्कुल भी ये फहद नहीं कह रहे ना मैं कह रही. दूसरी चीज ये जो उन्होंने कहा कि ऊपर नीचे वेट होना, इनकंसिस्टेंट होना, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करना, इससे आपकी स्किन और एज पे बहुत फर्क पड़ता है. यू नो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि लूजिंग वेट जो होता है ना इज नॉट अ गोल. लूजिंग वेट गोल नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि जिस दिन आप गोल पे पहुंचे आप लाइक यस आई डिड इट, फिर आप रिलैक्स हो गए, 3-4 दिन आपने खुल के खाया, फिर दोबारा आप मोटे हो गए. तो लूजिंग वेट is a lifestyle. It's a lifestyle. और ये staying healthy is a lifestyle. Staying healthy is a lifestyle. It's very, तुमने बोला ना fit and healthy. Yeah. हमने अपने घर में भी अब ये number 2 मेरा थोड़ा सा fatty हो गया है, fatty हो गए, fatty. So उनको हम अब fatty नहीं बोलते, fit and healthy बोलते हैं कि you need to be fit and healthy. Great, great. Because you पता है कोमल, after 30 तक तो being overweight is a aesthetic consideration कि अच्छा मोटे हैं तो हसीन नहीं लगेंगे. लेकिन after 30 या 35 फिर हेल्थ कंसिडरेशन आ जाती है. सो बीइंग ओवरवेट आपकी बॉडी इज एक्चुअली बीइंग डैमेज्ड. मैं लोगों को ये तक कहता हूं कि अगर आप ओबीस हैं तो इट इज लाइक अ ट्यूमर. जैसे कैंसर आपको अंदर से खाता है ना, मोटापा भी आपको अंदर से खाता है. बिल्कुल बिल्कुल. आपकी ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कई चीजें होती हैं. सो जिस तरह मैंने बॉडी शेविंग पे एक शो किया था, जिस तरह मैंने कहा था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्किनी हो और दूसरों की सुने, इसी तरह जो आजकल की जो नई पौध है वो बहुत ज़्यादा यू नो ओ बॉडी शेमिंग. भाई इवन बीइंग ओबीस इज़ अ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम. सो यू आर नॉट बीइंग वेरी कूल बाय सेइंग ओ आई एम हैप्पी द वे आई एम एंड यू आर क्लिनिकली अनफिट. और आप यू आर रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्चुअली मेरे क्लिनिक के अंदर तुम्हें पता है मेरे पास जितनी भी लड़कियां आती हैं, बिकॉज देखो मैं अपना रोल देखता हूँ समबडी हूज अ मेंटर, हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स. मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दैट्स व्हाट गिव्स मीनिंग टू माय लाइफ, दैट आई कैन मेक योर लाइफ बेटर एंड आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. मेरे पास वही मैं तुम्हें बताया कि 10 में से 2 को मैं इंटरवीन करता हूँ, इसलिए कि बहुत सारी लड़कियां वो दे फैट, वो ओवरवेट है, ठीक है. अब वो आके कहती है कि हमें कोई ऐसा प्रोसीजर करें कि हम खूबसूरत लगे. मैं उनको बताता हूँ, देखिए बात सुने, मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, अगर आपने कर ली ना आपसे शक्ल से नहीं पूरे जिस्म से खूबसूरत लगेगी. लूज वेट, इफ यू लूज वेट आपका चेहरा भी कट हो जाएगा, चीक बोन्स भी हाई लगने लगेंगे, हर ऑल ओवर अच्छा फर्क पड़ेगा. तो अगर आपको अच्छा लगना है, और मेरे पास अच्छे लगने आई है ना, अगर आपको अच्छा लगना है देन लूज वेट एंड यू विल लुक
20 times better than I can make you look. Yeah. Do you understand? Yeah, absolutely. So, मैं फिर procedure नहीं करता हूँ. Good, good for you. मैं actively उनको बोलता हूँ that go back and work on your lifestyle. Yeah, yeah, absolutely. You know? And be speaking of health, आपने बहुत सारे ऐसे भी cases किए हैं pro bono. उर्दू में जैसे कहते हैं कि आपने फ्री में सर्जरीज की हैं कुछ ऐसी बच्चियों की जो कि एस्थेटिक्स के लिए आपके पास नहीं आई थी, कॉस्मेटिक के लिए आपके पास नहीं आई थी, उनको जेन्युइन इश्यूज थे. इस तरह के दो तीन इंस्टेंसेस आप बता सकते हैं? सो मैं देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. क्लेफ्ट लिप में होता है कि बच्चों का पूरा होंठ कटा हुआ होता है, वो अंदर से तालू भी कटा हुआ होता है और फिर वो नाक भी पूरी डिफॉर्म्ड होती है. तो उन बच्चों को मैं जो सर्जरी करता हूँ तो मैं हॉस्पिटल अपनी मैं कोई फ़ी नहीं चार्ज करता जो हॉस्पिटल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अच्छे अस्पताल में काम करूँ ताकि चीज़ें अच्छी हों ताकि उसका काम अच्छा हो. तो हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं, मैं अपनी कोई फ़ी नहीं लेता. कौन सा हॉस्पिटल है? मैं NMC के अंदर भी करता हूँ ज़्यादातर. मैं ऐसे चैरिटी केसेस NMC के अंदर. ओके. सो वहाँ मेरी अपनी फ़ी नहीं जाती. बहुत लंबी कतार होगी वेट लिस्ट की आपकी तो. हाँ, बिकॉज मैं महीने के अंदर 2 दिन मैं फ्री सर्जरी करता हूँ. okay. 2 दिन निकालता हूँ और 2 दिन में सारी फ्री सर्जरीज करता हूँ. तो बर्न जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्यूमर हो जाते हैं इन पेशेंट्स को मैं काफ़ी टाइम लगा के इनको मैं करता हूँ. एक दफ़ा मुझे याद है एक ऐसी पेशेंट थी, जब वो मेरे पास आई तो उसकी जो गर्दन थी ना उसमें पूरी इन्फेक्शन हो गई थी. और यहाँ पर हमारी शेरग होती है, इंसान के जिसम में 5 लीटर खून होता है. अगर शेरक फट जाती है तो 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर इंसान मर जाता है, बिकॉज सारा 5 लीटर यहाँ से बैठ जाता है. और उसकी फटने वाला उसका पूरा स्किन निकल गई थी. oh my God. थूक जो है यहाँ पे भी होल हो गया था. oh my God. और सारा थूक यहाँ गिर रहा था. इन्फेक्शन थी, शेरक फटने वाली थी. एंड एवरीबडी हैड गिवन अप ऑन हर और कहा था ही मर जाएगी. तो मुझे किसी ने बुलाया, आप आके देख लें. किसी सीनियर प्रोफेसर का पेशेंट था, उन्होंने गिव अप कर दिया कि अब तो ये गई. उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने देखा, मैं बोला ये तो 2-3 दिन में फटने वाली है, ये तो मर जाएगी. तो मैंने बोला कि भाई मैं क्यों लूँ ये, मतलब इतने ख़राब करके मुझे दे दिया, मर जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी, सर पे आ जाएगा. तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर रहा और मैं थिएटर से बाहर निकल गया ना. फिर एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझे इस जगह पर किस लिए रखा है, लोगों की मदद करने के लिए. ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेसर से नहीं हो सका तो मुझसे भी नहीं होगा. तो मैं क्यों मना करूं? अगर मैं भी मना कर दूंगा फिर तो ये बिल्कुल मर जाएगी. तो फिर मैं वापस गया और फिर मैंने वो केस लिया. गुड जॉब. और मैं रोज़ रात को जाता था, रात में 2-2 बजे जाके खुद पट्टी करता था, उसकी साफ करता था. और माशाल्लाह से उसको हमने बिल्कुल हील किया. फिर उसकी बड़ी सर्जरी करके यहाँ से फ्लैप घुमा के बना के उसको बिल्कुल नॉर्मल करके वापस गांव भेज दिया. और तालियां. काश ऑडियंस होती तो सब तालियां बजाते, बट कोविड की वजह से हम लोग फंस गए. वो बहुत ही बात, अगर सारे डॉक्टर्स आपकी तरह कॉन्शियंशियस होते और वाकई में जो जिस वजह से वो डॉक्टर बने हैं अगर उनको वो वजह याद रह जाती, क्योंकि बेसिकली तो वो इंसानों को ठीक करने के लिए डॉक्टर बने थे, राइट? उनकी मदद करने के लिए. या yeah.